हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ड्रिल 13। इसके पहले 12 तक अपना हो चुका है बच्चों। ड्रिल 13 में बच्चों ओड फिगर जो फैक्ट वाला पार्ट चल रहा है, उसके पहले 1-4 अपन पढ़ चुके हैं, अब पार्ट फिफ्थ पढ़ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्वेश्चन, फोर फिगर एस ए बी सी एंड डी आर गिवन। ओके, आउट ऑफ दिस फोर फिगर थ्री आर सिमिलर वन वे और द अदर, बट वन फिगर इज डिफरेंट। इन सर्कल द लेटर बिलो द फिगर विच इज डिफरेंट। ठीक है, वही वाला अपना कंटिन्यू में चल रहा है ऑड फिगर का। अलग से आपका कौन सा पार्ट फोर दे रखे, जिसमें से तीन तो सिमिलर रहेंगे और एक अलग सा पार्ट शो होगा। ठीक है, तो वही देखना अपने को इसमें। जो एग्जाम्पल में बच्चों देखो, वन इधर है, रेड इधर है, तो येलो, फिर वापस अप, फिर डाउन, फिर वापस से अप एंड डाउन, मतलब अपोजिट वाला डायरेक्शन चल रहा है। और इधर ये देखो अप एंड डाउन, मतलब ये अब इसकी पोजीशन नीचे आनी चाहिए थी, येलो ऊपर होना चाहिए था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डी कर रखा है करेक्ट। ठीक है, तो इस पर सर्कल बना रखा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए। येलो पे देखो, ये टू पार्ट में फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन बना रखी है, देन दिस एंड दिस। ठीक है, ये पोजीशन आपने देख ली है ना। अब इसी पोजीशन को नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों। देखो ये हाफ वाला सेम पार्ट दे रखा है, इधर अब बच्चों इसमें से ये डिफरेंट केस हुआ। देखो ये सारे ऐसे, ये इस डायरेक्शन में तिरछा जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में तिरछा जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में तिरछा जा रहा है, और तो ये सीधा दे रखा है, तो ये अपना डिफरेंट दिख रहा है, बिल्कुल अलग से दिख रहा है, तो सी वाला इसमें करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड वाला है आपका। ये पोजिशन भी देखिए बच्चों, ये सॉरी अभी फर्स्ट अपन ने किया, सेकेंड पहले करेंगे। ये आप ध्यान से देखिए पिक्चर, ये ग्रीन को टच करते हुए येलो, इधर भी ये सर्कल बॉल जो है येलो वाली टच हो रही, इधर भी टच हो रही बच्चों। अब फर्स्ट वाले में टच नहीं हो रही, बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस पे आपका सर्कल आएगा ए पे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, ये इस डायरेक्शन में है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो डिफरेंट वाला पार्ट कौन सा हुआ अपना, ये डी बिल्कुल डिफरेंट है ना, तो इस पे अपने सर्कल बनाया। ओके, नेक्स्ट फोर केयरफुली, तो बच्चा डिफरेंट कौन सा लगा, सी वाला है ना, क्यों लगा पता चल गया ना, क्योंकि सब में टू टू आईज बना रखी, इसमें नहीं बना रखी है, इसलिए ये सी वाला डिफरेंट हुआ आपका, है ना। और क्वेश्चन फिफ्थ जो कि आपका एसडब्ल्यू वर्क है ना, अभी साथ के साथ ही कर लोगे आप, डू सेल्फ। ठीक है, ये ऊपर वाला आपको जैसे समझ में आ गया है, तो फिफ्थ वाला अभी करोगे आप। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट 14 ऑड फिगर पार्ट इसका 6 है। क्वेश्चन बच्चों सेम है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एग्जांपल पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ये जो अपन देखते हैं टू दिस एंड दिस एंड दिस, तो इसमें बी क्यों दिया बताओ सर्कल, क्योंकि इन सब में टू टू लाइंस हैं, है ना, और इसमें सिर्फ सिंगल है, इसलिए ये अलग पार्ट हुआ, तो बी पे सर्कल बनाया। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम सॉल्व करते हैं। ये पोजीशन एंड दिस एंड दिस एंड दिस, तो डी वाला पार्ट बच्चों बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है हमको, है ना, ये वाला आपका डिफरेंट होगा, डी पे आपको सर्कल बनाना है। ओके, नेक्स्ट ये बच्चों डिफरेंट क्यों हुआ, देखो सब में ये एरो का जो साइन है, ये वाला सब में वन है और इसमें टू बना रखा, इसलिए ये डी वाला इसमें सर्कल बनाना है आपको।
ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में देखो बच्चों, ये डायरेक्शन आपको देखना है, और भाई ये थोड़ा बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में वापस है, ठीक है। ये यहाँ पे आया, फिर ये घूम के यहाँ आ गया, फिर ये इधर आ गया, फिर ये इसको इस वाली पोजीशन में आना चाहिए, तो ये डिफरेंट हुआ है, इसका क्रम टूट गया, इसलिए ये अलग हो गया है ना। तो डी पे आपको सर्कल बनाना है, ओके। नेक्स्ट फोर वाले में देखिए बच्चों, ये टू लाइंस, ये क्रॉस में आ रहा है, ये भी क्रॉस में आ रहा है, और ये भी क्रॉस जैसा प्लस है ना, सब लाइन्स जो है आपस में क्रॉस और ये कट रही है, बट ये एकदम स्ट्रेट है, तो ये बिल्कुल अलग है। तो सी पे आपका सर्कल आएगा, है ना, आया समझ में। सी वाला बिल्कुल आपका अलग है, इस पे आप सर्कल बनाओगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है आपका एचडब्ल्यू है, जो कि डू सेल्फ लिख रही हूं, आपको सेल्फ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ये वीडियो देखते समय ही आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हो तो आपको बच्चों ये सॉल्व करना है एंड टू एंड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 15, ट्रेल 15, ऑड फिगर पार्ट 7, 7 वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ऑड फिगर वाला ही कंटिन्यू चल रहा है। डायरेक्शन क्वेश्चंस फॉर फिगर एस ए बी सी एंड डी आर गिवन आउट ऑफ दिस फोर फिगर्स, थ्री आर सिमिलर वन वे और द अदर, बट वन फिगर इज डिफरेंट, इन सर्कल द लेटर बिलो द फिगर विच इज डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट में वही अपने को देखना शेप, देखो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक ही डायरेक्शन में ये है और ये अलग है, ठीक है। इसमें ये देखो, ये डिफरेंट वाला पार्ट लग रहा है, तो ये सी बता रखा है। एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी वन लाइन में एरो, फिर दोनों में एरो, फिर ये और ये कर्व लाइन, ये बच्चों अलग से है, ये कर्व लाइन है, इसलिए इस पे सर्कल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखिए आप, जस्ट नियरेस्ट है ये भी जस्ट नियरेस्ट है, इसमें डिफरेंट लग रहा पार्ट है ना, और ये जस्ट नियरेस्ट है, तो ये आपका अलग होगा, सी बिल्कुल डिफरेंट है ना। नेक्स्ट थर्ड में बच्चों देखो, वन टू, ये वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये वन टू थ्री, एंड ये बीच में एंड दिस और दिस, तो बच्चों ये वाला डिफरेंट पार्ट हुआ, क्योंकि बीच में आपको ये बना, बाकी बीच में किसी के भी बना हुआ नहीं है, तो ये सी का सर्कल होगा, मिल गया आसानी से। वैसे देखते से पता चल रहा है कि ये वाली चीज किसी में भी नहीं है, इसलिए ये ही अलग से है ना। नेक्स्ट फोर वाला देखिए, ये वाला जो पोजीशन है, प्लस ये एंड दिस उसी पोजीशन में देखो, ठीक है, तो आपका डिफरेंट वाला कौन सा लगा, ये ए लगा, देखो है ना, ए वाले पार्ट में डिफरेंस है, ये सबके इनसाइड के अंदर ये आ रहा है, और ये चीज है आउटसाइड में आ रही है, तो ये आपका ये वाला होगा, है ना। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपको करना है सेल्फ, एच डब्ल्यू आपका, ये डू सेल्फ, ठीक है। फिफ्थ तक बच्चों मैंने करवा दिया आपको, यहां तक ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, ओके, थैंक यू।